अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तमाम दोस्तों का अलबरगम में खुश आमदीद। दोस्तों आज हम लोग फार्म की अपनी रूटीन शेयर करेंगे आप लोगों से, बकरों को, बकरियों को और बच्चों को किस तरीके से दिन भर हम लोग लेकर चलते हैं। ये जगह इसने बनाई हुई है माशाल्लाह से, ये हमारे पास 10-15 दिन हुए इस बच्ची को। ये इसकी माँ है दोस्तों। अभी 8 बज रहे हैं, 8:15 का टाइम हो रहा है। अभी इनको जंतर लगाई हुई है, अब ये जंतर ये लोग खाएंगे, उसके बाद फिर इनको पानी लगा देंगे 12 बजे तक के, 11:30-12 बजे के टाइम पे इन लोगों को पानी दे देंगे। वो पानी हम रखे रहेंगे अंदर ही, उसको उठाएंगे हम तकरीबन 6 बजे पानी को। यहाँ पे इन लोगों का चल रहा है, और यहाँ पे ये माँ बच्चों को अलग से दिया है। ये एक साथ खाते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा लड़ते हैं, और वो गब्बन बकरी है तो उसका एहतियात करना पड़ता है। वो इंशाल्लाह कुछ दिन में बच्चे देने वाली है, और इसका दिल बिल्कुल भी नहीं लगता। ये तो कहता है बस मुझे जंतर खिलाओ। दोस्तों हम पानी के ऊपर थे, पानी जो है वो हम 12 बजे रख देते हैं, और तकरीबन जो है वो 6 बजे उठा लेते हैं वापस। उसके फिर 2 घंटे के बाद हम दाना लगा देते हैं शाम का, 8 बजे के टाइम पे हम दाना लगा देते हैं। दाने की वीडियो मैंने लास्ट टाइम अभी अपलोड की है, तो प्लीज़ वो ज़रूर देखिएगा। ये जगह बनाई हुई है हमने बच्चों के लिए। हाँ भाई, इसका नाम हमने रखा है कोहिनूर। हाँ भाई कोहिनूर आ जाओ। ये हमने जगह बनाई हुई है बच्चों के लिए। रात के टाइम पे यहाँ पर सारे बकरी होते हैं और ये बच्चे अंदर हो जाते हैं। काफ़ी बड़ा स्पेस है बच्चों के हवाले से, तो भाई तकरीबन भी कोई 20-25 बकरे बच्चे आ सकते हैं आराम से। हाँ आ जाओ, बाहर आ जाओ, तुम आ जाओ। इस दौरान दोस्तों बच्चों को जो है वो हम तकरीबन 11 बजे ग्रैप वाटर पिलाते हैं। जैसे ये बच्चा है हमारे साथ एक चल रहा है कोहिनूर, इन बच्चों को जो है वो हम ग्रैप वाटर देते हैं 11-11:30 बजे के टाइम पे, ताकि इन लोगों को किसी किस्म का पेट का कोई मसला ना आए। ये बच्चा हमारे पास मौजूद है भाई, मिट्ठू है इनका नाम। मिट्ठू मिट्ठू मिट्ठू, सुन ही नहीं रहा भाई, यूँ बिल्कुल नाराज़ हुए मैं कि भाई मेरे साथ शेयर ना करो तुम लोग खाना। और ये दोनों जो हैं वो इसी के पास आते हैं, क्योंकि ये मारता नहीं है बच्चों को, सिर्फ आवाज़ें निकाल के डराता है, बाकी जो है वो मारने लग जाते हैं। बकरे इसको हमने कल मेहंदी पिलाई थी, बहुत ज़्यादा गर्म हुआ हुआ था ये, इस वजह से इसको मेहंदी पिलाई थी। मुर्फी, ये हमारे मुर्फी हैं भाई। कल इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त कारनामा दिया है, बाबा जो सोते हैं वो पूरा नेट उन्होंने फाड़ दिया। चलो हटियो, बस खाने दो उसको। यम यम की बिल्कुल हट गई है, बोला मैं भी नहीं खाऊंगा तो मैं भी नहीं खाने दूंगा, सारे ही गिरा दूंगा। यम तो इस तरीके से हम 11:30-11 बजे के टाइम इनको ग्रैप वाटर पिलाते हैं बच्चों को। अब जैसे कि ये बच्ची 15 दिन की है, 2-3 हफ्ते की है, तो इसको 2 से लेके 3 ml जो है वो ग्रैप वाटर दे देते हैं। मिट्ठू को जो है वो तकरीबन 5 cc ग्रैप वाटर वो देना देते हैं। मिट्ठू की ख़ास बात तो ये भाई, ये बनता नहीं है और ये खुला रहता है हर जगह, जहाँ इसका दिल करता है वहाँ घूमता है, और माशाल्लाह से हर चीज़ खाता है, वो फिर बकरे की हो या बछड़े की हो। अब इसको 2-3 दिन पहले इसी वजह से जो है वो मोशन भी लग गए थे, क्योंकि बछड़े के अंडे में मुँह मारते थे जाके। अल्लाह का शुक्र है वो एक दिन में रिकवर हो गया, अब एहतियात ही कर रहे हैं। बछड़े का अंडा ढक के रख देते हैं, इसको उस तरफ जाने नहीं देते। जैसे अभी इसको यहाँ पे रखा हुआ है, थोड़ी देर के बाद इंशाल्लाह फिर इस जगह पे इन सबको अंदर डाल देंगे, जैसे ये खा लेंगे। इसके अलावा ये है कि दाने के 1 घंटे के बाद हम देते हैं लोगों को हाजमा, हाजमे के लिए हेप्टा सेफ देते हैं,
और कार्बोनेटिव मिक्सर देते हैं, मतलब इन दोनों में से कोई एक चीज़ देते हैं, क्योंकि हेप्टा सेफ ये है कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो सबके बजट में नहीं आता। ये देखो भाई पिट गया मिट्टू, पिट गया, गलत जगह गया था ना तो पिटेगा ही। मिट्ठो मिट्ठो नहीं मिल गई मिट्टू को, कहाँ था लग। देख लो भाई शायद भाई पछड़ों को पानी पिला रहे हैं। इस तरफ जो है वो बछड़ों का पोर्शन है, ये एक न्यू एंट्री हुई है। चलिए थोड़ा सा आप लोगों को बछड़ों को दिखा देते हैं। एक शपाटर बॉय है इधर खड़ा हुआ, ये बहुत ही खतरनाक वाला है। हाँ मुर्फी पीछे पीछे आओगे हमारे साथ चलोगे? ये देखो रेडी हो गया, ये पहले से ही रेडी हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बछड़ों का वंडा चल रहा है, वंडे का टाइम हुआ है। गुस्सा आ गया? नहीं नहीं आप खा लो, आप खा लो भाई, कोई भी तंग नहीं कर रहा आपको, आप खाओ। बछड़े नाराज हो रहे हैं भाई, बोल रहे हैं अभी नहीं, अभी खाने दो, खाने के बाद मिलना। ओ भाई नहीं यार आ ही नहीं रहा मैं, सही है बट ठीक है जाओ खाओ। अच्छा चलो कोई इनको तंग नहीं करता, उससे में आ जा रहे हैं बछड़े। इसको भी लगा दिए क्या वंडा? इसकी आँख में क्या हो रहा है? अच्छा भाई नाराज़ हो रहा है, ये तो नए नए चेहरे देख के ना ऐसा हो जाता है। खाओ खाओ खाओ, जा रहे हैं हम, जा रहे हैं। चलो मुर्फी चलते हैं अपन, आ जाओ मुर्फी। हाँ अब ये सही चल रहा है, एक दो दिन करते हैं बछड़े। ये देखो जो भी मिल जाए भाई, घास हो कुछ हो, पर खाने को मिल जाए इनको ना। तो ये हमारी रखी हुई है मेडिसिन, इंशाल्लाह इस पर भी डिटेल एक वीडियो बनाएंगे। चलो अब ये मुर्फी का जो है वो खाना लेकर आए थे, अब ये मुर्फी को खाना लगा देंगे। मुर्फी खाना ये तेरा, पागल हो गया, रुक जा बना रहा हूँ। अब मुर्फी को खाना देंगे, उसके बाद जो है वो फिर दूसरे गांवों की तरफ चलेंगे। इसमें से एक बकरे को अभी बुखार है, ये मक्की चीना ब्रांड वाले को, इस बकरे को बुखार है, इसको देखेंगे क्या करना है, दवाई वगैरह इसको देंगे खाने के बाद। इस बकरे का एक इशू चल रहा है, इसके जो है वो टेस्टिकल में, ये वाला टेस्टिकल आप लोग देख सकते हैं, ये जो है बहुत ज़्यादा सख्त हुआ है, सूजन नहीं है सख्ती आई हुई है इसके अंदर। तो इसके लिए भी फ़ोन किया हुआ इसके डॉक्टर को, अब वो 11 बजे का उन्होंने कहा था, अब उनका वेट करेंगे फिर वो आएंगे, वो क्या बोलते हैं देखते हैं। तो दोस्तों ये रूटीन है, इनमें कुछ चीज़ें मिस हुई होगी, फर्स्ट टाइम था ये, इंशाल्लाह आगे इसी तरीके की रूटीन कंटिन्यू रखेंगे तो मज़ीद चीज़ें जो हैं वो माइंड में आती रहेंगी, तो मैं आप लोगों से शेयर करता रहूँगा। ये दाने की पेटी है, इसके अंदर दाना रखा हुआ है, एक ये पेटी है और एक ये पेटी है, सारा कबाड़ भी इसी में भरा हुआ है, दाना भी यहीं रखा हुआ है। तो ये दो सेपरेट पोर्शन किए हुए हमने, इधर जो है वो बकरियां हैं इस पोर्शन में, और उस वाले पोर्शन में सिर्फ बकरे हैं, ताकि जैसे बच्चों के साथ वाली बकरियां हैं और ये माशाल्लाह गबन बकरी है, तो इन लोगों को किसी किस्म का नुकसान ना पहुंचा सके कोई बकरा।
इस वजह से इन लोगों को अलग किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।